नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ स्क्रू गेज हैज पिच ऑफ 1.5 mm, हमें पिच गिवन है एंड 300 डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल, विच ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग कैन बी फ्रॉम दिस स्क्रू गेज. ठीक है, हम सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालते हैं. लीस्ट काउंट हमारे पास क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स. पिच हमें कितना गिवन है, पिच हमें गिवन है 1.5 mm अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स कितने, 300. ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 15 अपॉन में 3000 मिलीमीटर, एक डेसिमल मैंने हटा के नीचे, 3000. ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है 50.005 मिलीमीटर. अब देखो मिलीमीटर में हमारे पास अब तो 3 डेसिमल हमको आंसर चाहिए. अगर मैं इसको लिखूं, लीस्ट काउंट को अगर हम लिखेंगे, ध्यान से देखिए इसको, लीस्ट काउंट मेरे पास आया 0.005 मिलीमीटर. अगर हम इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 0.0005 सेंटीमीटर, और इसी तरह से मीटर में लिखेंगे तो 0.00001234 5 6 मीटर. ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं. तो हमने कितना एक्यूरेटली मेजर किया, अप टू अगर मिलीमीटर की बात करें तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने मेजर किया, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक है, तो ये गलत हो जाएगा. अगर हम इसकी बात करें तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक है, जबकि सेंटीमीटर में 4 डेसिमल प्लेस तक हमें चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा. ऑप्शन नंबर सी हमें लग रहा है मिलीमीटर में जब हमने किया, अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6 डेसिमल प्लेसेस तक, तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा आंसर. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, डेसीमीटर में भी जब आप देखोगे, डेसीमीटर क्या होता है हमारे पास 0.005, तो हम बोल सकते हैं हमारे पास एक्यूरेटली मेजरमेंट जो आना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए. तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 30 भी सॉल्व किया. तो यहाँ पे हमारी DPP नंबर 2 खत्म होती है, यहीं पे हम इसको एंड करते हैं. थैंक यू सो मच.